है आपका फिर से लक एकेडमी में। लास्ट वीडियो में इसी के पार्ट वन में मैंने आपको दिखाया था कि सैम्पलिंग फ्रेम इज़, मतलब यहाँ पर मैंने कोर्स वर्क या फिर जो आपके पीएचडी एंट्रेंस पेपर है जो काफ़ी यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं, मैं उनके पेपर्स आपके कंटिन्यूस सीरीज़ वाइज सीरीज़ करा रहा हूँ और मोस्ट ऑफ लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है तो वो 100% इन एग्ज़ाम के बाद हो ही जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। पार्ट वन में मैंने पहला पेज आपको करा दिया था सैम्पलिंग फ्रेम इज़, तो यहाँ बताया था अ लिस्ट ऑफ यूनिट इन पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल विल बी सिलेक्टेड। तो जिन लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग पहली वाली वीडियो अपनी देख सकते हैं और वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सेकेंड। ठीक है, ये प्री पीएचडी थ्योरी कोर्स का पेपर है जो कि काफ़ी क्वेश्चन बैंक्स में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसकी बना के रखा है। अ सैम्पल आपके अ सिंपल रैंडम सैम्पल इज वन इन विच रैंडम सैम्पल या सिंपल रैंडम सैम्पल हम लोग किसको बोलते हैं जहाँ पर एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम नाम से पता चल रहा है, रैंडम सैम्पलिंग मतलब मेरा यहाँ पर क्या है कि जैसे 100 लोग बैठे हैं तो 100 में से सबका बराबर चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ऐसी सैम्पलिंग को हम लोग बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का मतलब है कि भाई ऐसे क्लास के अंदर 20 लोग बैठे हुए हैं और टीचर किसी से भी क्वेश्चन पूछ लें, क्या बराबर चांस होता है वो किसी से भी पूछ सकता है, तो ये होती है हमारी रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन के जितने लोग पॉपुलेशन में हैं उन सबका बराबर चांस होता है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। दूसरा, इट इज़ यूजफुल टू यूज़ अ मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पल व्हेन, आपसे पूछ रहा है इट इज़ यूजफुल टू यूज़ अ मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पल व्हेन। अब कब हम लोग मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग कब करते हैं, जब पॉपुलेशन आपकी बहुत बड़ी हो, वाइडली डिस्पर्स हो जियोग्राफिकली, कि आपकी जो पॉपुलेशन जब बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो। अब मैंने कहा ये क्लास में 20 लोग हैं तो हम एक साथ क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वहीं में एक टीचर को खड़ा कर देते हो एक स्कूल में, तो अब वहाँ पर क्वेश्चन पूछना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम यहाँ पर करते क्या है कि वाइडली जब डिस्पर्स है, जियोग्राफिकली आपका बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, काफ़ी ज़्यादा पता नहीं होता है, तो हम लोग मल्टी स्टेज क्लस्टर करते हैं कि वही सैंपल को क्लस्टर मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने स्कूल को क्लासेस में डिवाइड कर दिया, अब टीचर को आसानी है कि वो 11th में जाके 11th का पूछ सकता है, 12th में जाके 12th का पूछ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर, जहाँ पर पॉपुलेशन जब वाइडली बड़ी हुई बहुत ज़्यादा होती है तब तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तीसरा पूछा है द स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैटिकल मेजर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मैंने कई वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं। स्टैटिकल स्टैंडर्ड एरर को निकालना भी सिखा चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड हर पार्ट, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक रह जाता है तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर ये वाला टॉपिक पर अभी भी नहीं हुआ है, तो मैं उस पर भी कोशिश करूँगा। ठीक है, वो पूछ रहा है आपसे द स्टैंडर्ड एरर इज अ स्टैटिकल मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच अ सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम अ पॉपुलेशन मीन। यहाँ पर क्या होता है, जब सिंपल मीन जो होता है हमारा, जो सैम्पल का हम जो मीन निकालते हैं वो कितना डिफर कर रहा है पॉपुलेशन के मीन से, यही चीज़ बताता है हमारा स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर सिंपल याद रखना है, सैम्पल मीन इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, यही चीज़ हमारा बताता है आपका स्टैंडर्ड एरर। What effect does increase the sample size have upon the sample error? कि भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या इफेक्ट करेगा, what effect does increasing the sample size, अगर हम sample size को बढ़ा रहे हैं upon the sampling error पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सीधी सी बात है, जितना हम sample size बढ़ाएंगे, याद रखना है जितना sample size हम बढ़ाएंगे उतना सैम्पलिंग एरर जो है वो कम होता जाएगा। ये सीधा सीधा लॉजिक है, ये सारा डायरेक्टली आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर आपका इंक्रीज करेगा सैम्पल साइज, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से कौन सा जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, सैम्पलिंग कौन सी प्रोबेबिलिटी होती है, कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, कौन सी आपकी रैंडम सैम्पलिंग है, तो इस पर वीडियो हम बना चुके हैं। याद रखना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डायरेक्टली सामने दिख रहा है आपको, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का नहीं होता है, स्ट्रेटिफाइड क्या है आपका प्रोबेबिलिटी वाला सैम्पलिंग का एक पार्ट है, तो ये नहीं है। तो बेटा प्लेलिस्ट में जाकर इसकी वीडियो चेक करें जल्दी से, ओके, और कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कुछ भी।
स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प द रिसर्चर्स टू। आप स्नोबॉल पहले तो याद रखना भाई, ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। बताया नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले से कोई फिक्स नहीं होता है ना। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन हेल्प अ रिसर्चर टू एक्सेस द डेविएंट और हिडन पॉपुलेशन। बिल्कुल करेक्ट है भाई, स्नोबॉल में हम पहली बात तो हमें पता ही नहीं होता है कौन सा है डेविएंट, कौन सा है आपका हिडन पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल करेक्ट है आपका। थ्योराइज द इंडक्टिव इन क्वालिटेटिव स्टडी, बिल्कुल करेक्ट है ये भी आपका। करिए कि ये थ्योराइज करता है कि आपके इंडक्टिवली कितने यहाँ पर क्या स्टडी में है। ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग एन एक्सेसिबल सैम्पलिंग फ्रेम, कि जो सैम्पलिंग फ्रेम में नहीं आ रहे उनकी ओवरकम भी प्रॉब्लम कर देता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए भैया नॉन, इसके लिए अगर नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सैम्पलिंग की वीडियो देखिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग भी याद रखना है, मैं सैम्पलिंग पर काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ आपसे और सैम्पलिंग पे मैंने थ्योरी पर भी डाल रखी है, और इससे कि आपको क्लियर हो कि भाई क्वोटा सैम्पलिंग कौन सी है, प्रोबेबिलिटी कौन सी है, तो प्लीज़ उसको चेक कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वोटा सैम्पलिंग। याद रखिए रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट मेक इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। ये भाई साहब कभी भी नहीं होता है, रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट मेक द पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो आपको पर का पता हुआ कि भाई स्टैंडर्ड एरर यही आएगा, कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट मेक इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर बिल्कुल गलत बोल रहा है वो, और ऐसा क्वोटा सैम्पलिंग में तो होता ही नहीं है। ठीक है, द फाइंडिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन या फ्रॉम, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। द फाइंडिंग फ्रॉम अ स्टडी ऑफ यंग सिंगल मदर एट अ यूनिवर्सिटी कैन जनरलाइज टू द पॉपुलेशन ऑफ, यहाँ बोल रहा है फाइंडिंग फ्रॉम एक स्टडी आपके की है, स्टडी ऑफ यंग सिंगल मदर पर उन्होंने स्टडी की एक यूनिवर्सिटी ने, और उन्होंने जनरलाइज किया है पॉपुलेशन ऑफ ऑल यंग सिंगल मदर एट द यूनिवर्सिटी, है ना, क्योंकि वहाँ भाई स्टडी किस पर किया है, यंग सिंगल मदर पर किया है, तो ऑल यंग, तब वो अपना जनरलाइज करेगा जब उसने काफ़ी यूनिवर्सिटियों पर इस पर स्टडी की कि जितनी भी यंग सिंगल मदर थे, तो जब वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा तो सिर्फ यंग सिंगल मदर्स पर ही देगा, हमें यही ऑप्शन देखना होता है। तो देखिए तीन यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑल यंग सिंगल मदर एट दैट यूनिवर्सिटी, इन दैट यूनिवर्सिटी, या फिर इन ऑल यूनिवर्सिटी और वुमेन एंड दैट यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यंग वुमेन की बात ही नहीं करें, वुमेन में तो सब आ जाती हैं, फिर इन्होंने ऑल यंग सिंगल मदर एट दैट यूनिवर्सिटी। तो जब भी वो जनरलाइज करेगा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिस जगह पर किया है बस उसी को जनरलाइज करेगा। द टर्म डेटा प्रोसेसिंग एरर रिफर्स टू, डेटा प्रोसेसिंग एरर इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग पर, तो आप लोग उसको भी चेक कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट तब क्लियर होंगे, एमसीक्यू आपको तब समझ में आएंगे जब इनकी कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे। तो टर्म डेटा प्रोसेसिंग एरर रिफर्स टू फॉल्टी टेक्निक्स ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग डेटा। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई फॉल्टी टेक्निक यूज़ कर लेते हैं कोड करने के लिए मैनेजिंग डेटा में, तब हमारे डेटा प्रोसेसिंग एरर आते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा फॉलो करिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चन आयर कैन इंक्लूड पोस्टल और ईमेल सर्वे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग सेल्फ कंप्लीशन करेंगे, सेल्फ कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आयर कैन इंक्लूड पोस्टल और ईमेल सर्वे, जब भी हम लोग पोस्टल और ईमेल सर्वे करते हैं तो सेल्फ कंप्लीशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या आपका क्वेश्चन आयर आपके लिए कैन इंक्लूड, हम लोग इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। पोस्टल सर्वे अगर कोई और भर के भेजा तो कोई कंफर्म नहीं होता है किसने कराया है। तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनायर ओवर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज दैट, जब आप क्या करते हो सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनायर कराते हो या फिर स्ट्रक्चर इंटरव्यू कराते हैं, तो इन दोनों में कौन सा आपका एडवांटेज क्या है सेल्फ कंप्लीशन का, तो ये याद रखना है ये क्विक होता है और चीपर होता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि जो करा रहा है उसके लिए बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत फास्ट हो जाता है जब हम सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनायर कराते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू थोड़े से महंगे पड़ते हैं और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, तो ये एडवांटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ कंप्लीशन क्वेश्चनायर कंपेयर टू स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ पर देखिए द रिसर्चर कैन नॉट आस्क मैनी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। जब हम सेल्फ कंप्लीशन की बात करते हैं तो रिसर्चर यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन को नहीं पूछ सकता, ये उसका डिसएडवांटेज नहीं है, है ना, ये एडवांटेज है कि हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रही है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ रहे हैं।
तो ये ही इसका डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स रेट टू पोस्टल क्वेश्चनायर। जब हम पोस्टल क्वेश्चनायर किसी को भेजते हैं तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से स्टेप होने चाहिए जो इम्प्रूव करेंगे रिस्पॉन्स रेट को। तो पहला होता है राइट अ पर्सनलाइज कवरिंग लेटर टू इंट्रोड्यूस द रिसर्च। पहली चीज़ हमें पर्सनलाइज कवरिंग लेटर बनाना चाहिए कि हम पर्टिकुलर रिसर्च के लिए ये आपको क्वेश्चनायर भेज रहे हैं। इंक्लोज अ स्टैम्पल्ड एड्रेस एनवलप विद अ पोस्टल क्वेश्चनायर। जब भी हम जिसके ऊपर भेज रहे तो हमें उसका स्टैम्प्ड एड्रेस अपना भी लगा होना चाहिए और जिसको भेज रहे उसका एड्रेस भी कन्फर्म बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सेंड आउट पोलाइट रिमाइंडर लेटर। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चनायर आपने किसी को पोस्टल के थ्रू भेजा है, पोस्ट के थ्रू भेजा है, तो उनको आपको अगर मान लीजिए रिस्पॉन्स काफ़ी दिनों से नहीं आया है तो आपको क्या करना होता है कि एक पोलाइट रिमाइंडर लेटर भेज देना चाहिए जिससे कि क्या हो आपका क्वेश्चनायर वो भर के आपको भेजे। तो ये ऑल ऑफ द अबव चारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ये इस तरह के लिए। Why is it generally better to present fixed choice answer in vertical rather than horizontal form? ठीक है, यहाँ बोल रहा है जनरली बेटर क्यों होता है कि जब हम आपका वर्टिकल कॉलम में क्वेश्चन लगाते हैं, फिक्स चॉइस क्वेश्चन लगाते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल में जैसे ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन लिखा होता है ए बी सी डी आपका नीचे की तरफ लिखा होता है, जबकि कुछ जगहों पर आपका लाइन एक ही लाइन में लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल रूल्स में। तो यहाँ पर होता क्या है, इट मेक्स द लेआउट। जब हम लोग बना लेते हैं तो अगर हम एक लाइन में पढ़ते तो हम पता नहीं चलता है, जब हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं या क्वेश्चन आपका वर्टिकल फॉर्म में होता है तो ये एक लेआउट बना देता है क्वेश्चन की, जिससे कि हमको मोर क्लियर होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या मतलब है और उसके कोई आपके आंसर भी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो इट मेक द लेआउट ऑफ क्वेश्चनायर मोर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चनायर जो सोशल स्टडी वाले हैं वो लोगों के मतलब का होता है भाई उनको सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन जो साइंस वाले हैं भाई उन लोगों के लिए इस तरह की फील्ड नहीं होती है, इसलिए उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ क्योंकि मैं खुद साइंस फील्ड से हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ साइंस फार्मेसी इंजीनियरिंग और जितने भी बॉटनिकल हैं बायोलॉजी वाले हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री साइंस फिजिक्स उनके लिए इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। An open question is one that open question किसे बोलते हैं हम लोग, allow a respondent to answer in own term. Simple open question का मतलब है कि आपने question पूछ लिया, अब वो अपने टर्म में आंसर देगा, अपने हिसाब से आंसर देगा, वो open question होते हैं। Allow respondent, respondent का मतलब तो समझते ही हो, नहीं पता हो तो comment करके पूछ लेना मुझसे। Allow respondent to answer in their own term, अपने टर्म में वो आंसर बता सकता है। Does not suggest or provide a limited range of response, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ओपन क्वेश्चन में आपको पता है कि भाई कोई सजेशन नहीं कोई प्रोवाइड नहीं, आप किसी भी रेंज तक आप दे सकते हो। कैन हेल्प टू जनरेट द आंसर फॉर क्लोज क्वेश्चन, इससे हम लोग क्लोज क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये चारों ही करेक्ट है ओपन क्वेश्चन के लिए। इन ऑर्डर टू पोस्ट कोड आंसर टू ओपन क्वेश्चन इट इज़ नेसेसरी टू, जब हम पोस्ट कोड आंसर टू ओपन क्वेश्चन भेजते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ नेसेसरी होती है, हमें कैटेगराइज करना होता है अनस्ट्रक्चर मटेरियल एंड असाइन अ कोड नंबर टू ईच कैटेगरी। जब भी हम पोस्ट कोड के थ्रू भेज रहे होते हैं तो हमें हर अनस्ट्रक्चर मटेरियल का लिए एक कोड डिसाइड करना होता है कि ये पर्टिकुलर जब ये आंसर देगा तो हमें उस कोड के फॉर्म में वो चीज़ बनाना होती है। ये नेसेसरी होता है जब हम पोस्ट कोड के थ्रू आंसर भेजते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is not an advantage of using closed questionnaire in survey? Closed questions का मतलब होता है जिनका एक directly answer होता है। Open का मतलब क्या होता है कि किसी भी टर्म में अपने हिसाब से आप बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम नॉट एडवांटेज क्लोज क्वेश्चन सर्वे का मैं क्या नहीं होता है, दे प्रिवेंट द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम गिविंग स्पॉन्टेनियस और अनएक्सपेक्टेड आंसर। जब हम क्लोज क्वेश्चन पूछते हैं तो बेटा उसका आंसर फिक्स होता है कि वही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा, लेकिन ओपन क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। ओपन क्वेश्चन और मैं क्लोज क्वेश्चन का एक आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पूछा कि ताजमहल कहाँ पर है, तो ये क्या एक क्लोज्ड क्वेश्चन है,